झज्जर में आंगनवाड़ी वर्करों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों की तादाद में जिला सचिवालय में एकत्रित होने के बाद शहर में भी सूबे के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ की शव यात्रा निकाली। इतना ही नहीं, लगातार 8 दिन से धरने पर बैठी आंगनवाड़ी वर्कर का गुस्सा सोमवार को 8वें नहीं बल्कि 9वें आसमान पर दिखाई दिया। जिले भर के सैकड़ों आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने शहर भर में न केवल सूबे के कृषि मंत्री की शव यात्रा निकाली बल्कि मंत्री जी के कार्यालय का घेराव भी किया। हालांकि भारी पुलिस बल ने बैरी की टेस्ट लगाकर कर्मचारियों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन धक्का मुक्की के बाद वर्कर मंत्री के निवासी स्थान पर पहुंची गईं, जहां उन्होंने डेरा डाल दिया। मंत्री जी के कार्यालय के बाहर काले झंडे व कपड़े लहराकर थाली बजाकर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही मंत्री का पुतला उसी के कार्यालय के सामने फूंका। मंत्री जी के निजी पीए व अन्य नुमाइंदे द्वारा उन्हें आश्वासन देने का प्रयास किया गया, लेकिन कर्मचारी मंत्री जी के बिना मिले वहां से जाने को तैयार नहीं हुए। करीब 5 घंटे तक मंत्री के कार्यालय के बाहर ही डटी रही हैं, जो अभी निरंतर बैठी हैं। आंगनवाड़ी यूनियन की राज्य प्रधान छोटा गहलावत का कहना है कि वो पिछले 8 दिन से धरने पर बैठे हैं, लेकिन उनसे ना तो कोई सरकार का नुमाइंदा मिलने आया और ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी। अपनी मांगों को लेकर आज उनका 9वां दिन है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि कोई भी उनसे उनकी सुनने वाला नहीं है। मजबूर होकर आज उन्होंने मंत्री जी की शव यात्रा निकाली है, साथ ही उनके कार्यालय का घेराव किया है। उनका कहना है कि जब तक मंत्री जी उनसे मिलने नहीं पहुंचेंगे, तब तक कर्मचारी उनके कार्यालय के बाहर ही डटी रहेंगी। झज्जर से सोनू धनखड़, आजाद टीवी न्यूज। हमारे पुलिस भाईचारा ने भी हमारा साथ नहीं दिया, बैरियर लगाकर हमें को रास्ते में रोक दिया। हमने जाने की भी बहुत ज्यादा कोशिश करी लेकिन नहीं जाने दिया। और अब हमारी बहनों का सबर का बांध टूट गया है, हमारा सबर बांध टूट गया है, लेकिन हमने अब नारी शक्ति ने माँ दुर्गा का रूप ले लिया है, किसी भी पीछे नहीं हटेंगी। तो या होली हो या होली, अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम होली तक भी यहीं पर रहेंगे और यहाँ पर होली मनाएंगे और व्रत करेंगे और सड़कों पर उतरी रहेंगे। अगर हमारे को सीएम साहब ने टाइम नहीं दिया मिलने का, तो ऐसे ही धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, रोड जाम रहेगा। आज क्या आश्वासन?